स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। और सबसे पहले देखेंगे सीवेज क्या होता है। सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट फ्रॉम हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज। सीवेज इज मोस्टली वाटर एंड कंटेन सब्सटेंसेस सच एज ह्यूमन एंड एनिमल फेसेस, यूरिन, टॉयलेट पेपर्स, डिटर्जेंट्स, ऑयल्स एंड अदर केमिकल। तो सबसे पहली बात जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि सीवेज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बड़ी तेजी से हो रही है और ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत कम रह गए हैं। हर एक इंसान जो भी इस दुनिया में आया उसका ये राइट है कि उसको रहने के लिए घर होना चाहिए, उसको खाने के लिए खाना मिलना चाहिए, उसको सांस लेने के लिए फ्रेश एयर मिलना चाहिए और पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। लेकिन जो पीने का पानी होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध और साफ पानी होना चाहिए। आजकल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जो है वो पानी को लेके, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, लोगों की तादाद किसी भी कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कोई भी कस्बा हो, चाहे वो शहर हो, वहां क्या होता है कि पर डे बहुत ज्यादा जो है सीवेज वाटर की प्रोडक्शन होती है। और ये पानी जो है नालियों से होता हुआ सीधा वाटर बॉडीज के अंदर जाता है। वाटर बॉडीज हो सकता है कोई भी रिवर, कोई भी पॉन्ड या लेक हो सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे सीवेज वाटर क्या होता है। स्टूडेंट, सीवेज वाटर वो होता है जिसके अंदर ह्यूमन मल बहुत ज्यादा हो, यानी ह्यूमन फीसिस हो। तो सीवेज वाटर के अंदर सबसे ज्यादा वाटर रहता है। और उसके अलावा हम देखेंगे सीवेज वाटर के अंदर क्या होता है कि हमारे फैक्ट्रियों से निकला हुआ पानी, हमारे घरों से निकला हुआ पानी, जिसके अंदर इंसानी और किसी भी जानवर का फीसिस हो, यूरिन हो या टॉयलेट पेपर्स हो, घरों में जब हम कपड़े धोते हो जिस डिटर्जेंट के अंदर वो डिटर्जेंट हो, और ऑयल्स, हमारे किचन में भी ऑयल यूज होता है, अल्टीमेटली ये सारे का सारा पानी के अंदर चला जाता है और फिर ये नालियों से होकर ड्रेनेज सिस्टम से होता हुआ सीधा वाटर बॉडीज यानी नदी के अंदर ये पहुंच जाता है। लेकिन इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो इस सीवेज वाटर के कारण जो है पॉल्यूटेड हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट का भी ये जो है इस वक्त बहुत बड़ा रोल इस चीज में है कि वो चाहते हैं कि रिवर के अंदर इस पानी को छोड़ने से पहले इसको साफ किया जाए। अब इस पानी को साफ करने के लिए बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के प्लांट्स जो हम लगाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो इस सीवेज वाटर को साफ कर सके विदाउट द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी इस गंदे पानी को साफ करने के लिए हम माइक्रोब्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यानी बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में हम एरोबिक बैक्टीरिया और एनएरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं और वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं, उनका प्रयोग हम करते हैं सीवेज वाटर को साफ करने के लिए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी इंसानी मशीन नहीं बनी कि वो माइक्रोब्स के बिना ही किसी पानी को साफ कर दे। तो इस तरीके से हमारे कंट्रीज के अंदर, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिनका गंदा पानी को रिवर के अंदर जाने से पहले उसको साफ किया जाता है। तो इस सीवेज वाटर ट्रीटमेंट्स के लिए दो प्रोसेसेस रहते हैं, एक है हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। स्टूडेंट, तो ये हमारे पास एक पूरा डिजाइन है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का। तो आप याद रखें, जब भी सीवेज वाटर को, सीवेज वाटर हो गया वो वाटर जिसके अंदर ह्यूमन फीसिस और यूरिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सीवेज वाटर के अंदर ज्यादा कंटेंट वाटर का ही होता है। तो सीवेज वाटर की ट्रीटमेंट यानी इस पानी को साफ करने के लिए दो तरीके के प्रोसेस यूज किए जाते हैं, एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है, इसमें कहीं भी कोई भी माइक्रोब्स या किसी भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पास यहां से, ये आप देखेंगे 1, 2 और 3, ये तीन स्टेप हमारे पास ऐसे हैं जिनमें हमने क्या किया होता है। जैसे आपको अपनी लैंग्वेज में बताएं कि जो छननी होती है, जैसे जाली होती है, हम अपने घरों में जो ग्रील्स लगाते हैं, इस तरीके से जो छननी या जाली जो है बनाई होती है। तो सबसे पहले जो सीवेज वाटर यहां से यहां से अंदर आएगा, जैसे किसी भी शहर का जो पानी यहां से होता हुआ इस छन्नी के अंदर से गुजरेगा, फिर इससे गुजरेगा, फिर इससे गुजरेगा, और इससे गुजरने के बाद सीधा वो आगे जाएगा, और आगे वाले टैंक का नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। जब पानी यहां से गुजरता है, आगे छन्नी लगी होती है यानी एक जाली लगी होती है, तो जितने भी पानी में जो फ्लोटिंग मटेरियल है, फ्लोटिंग मटेरियल क्या हो गया, जैसे कोई प्लास्टिक की बॉटल है, कोई पॉलीथीन बैग्स है, कोई टॉयलेट पेपर है, वो यहां इस बड़ी जाली के पीछे, छन्नी के पीछे रुक जाएंगे। उसके बाद आगे वाली छन्नी में जब जाएगा कोई चीज, तो यहां से और ज्यादा साफ हो जाएगा। आप देखेंगे हमने लास्ट में जो छन्नी लगाई है या आप कहेंगे जाली लगाई है, ये बहुत बारीक होती है और पहले वाली जो है उसके सुराख काफी
बड़े होते हैं। तो आप तो ये बोल सकते हैं सर ये वाली जाली हमें पहले लगा देनी चाहिए थी ताकि पहले ही वाटर जो फिल्टर हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको पहले लगा देते हैं तो जो फ्लोटिंग मटेरियल है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और छोटे छोटे जो हमारे पास साइल पार्टिकल है और जो स्टोन के छोटे छोटे पेबल्स है यानी जो पीसीज है वो यहाँ पे इसको ब्लॉक कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज के अंदर। इसीलिए हमने पहले थोड़ी सी बड़ी छलनी का इस्तेमाल करते हैं, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो यहां से जो वाटर पास होके साफ होके जो आगे टैंक में पहुंचता है उस टैंक का नाम हमने रखा है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये जो तीन लाइंस में यहाँ पे जो पानी साफ हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव आता है सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन होता है जब हम पानी को तीन छलनी या उससे ज्यादा छलनी से गुजार के आगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक तक ले जाते हैं। जैसे हमारा वाटर प्राइमरी सेटलिंग टैंक में पहुंचेगा तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जैसे ही हमारा वाटर पहुंचता है उस वाटर के अंदर जो मिट्टी है और जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े वो नीचे बैठ जाते हैं और वाटर ऊपर रह जाता है। जो नीचे टुकड़े बैठ जाएंगे मिट्टी और पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े नीचे बैठ जाएंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। स्टूडेंट याद रखिए ऑब्जेक्टिव बात है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। जो वाटर ऊपर की तरफ रह जाता है उसको हम बोलते हैं ऑफलैंड्स। यही ऑफलैंड्स प्राइमरी सेटलिंग टैंक से ये ऑफलैंड यानी ये वाटर फिर आगे जाता है एरिएशन टैंक में। इसी पानी को जब हम डालते हैं एरिएशन टैंक में तो एरिएशन टैंक का मतलब भी समझ गए होंगे आप। एरिएशन टैंक वो होता है जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई दी गई होती है यानी एयर की सुविधा यहां पर होती है। इस टैंक में हम एयर छोड़ते हैं, हवा के कारण यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और फंजाइज ग्रो करते हैं। इस एरिएशन टैंक में बैक्टीरिया और फंजाई बड़ी तेजी से ग्रो करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई को खाने के लिए कुछ खाना चाहिए और वो खाना क्या है, इस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है और वो ऑर्गेनिक मैटर हमारे फीसिस से यहां पर पहुंचा होता है। तो ऑर्गेनिक उसी ऑर्गेनिक मैटर को जो बैक्टीरिया यहां यूज करते हैं। एरिएशन टैंक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं यानी वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो इस एरिएशन टैंक के बीच में आप देखेंगे यहां पर क्या होता है, एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एजिटेटर। ये एजिटेटर यहां पर गोल गोल घूमता रहता है और ये पानी गोल गोल यहां घूमने से क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई जो पानी के अंदर पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको यूज करेंगे। एक टर्म यहां पर और आती है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए इस पूरे के पूरे टैंक से ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करने के लिए। स्टूडेंट जब यहां पर फंजाई ग्रो करना शुरू करती है तो फंजाई जाली की तरह, जैसे हमारे जाली जो खिड़कियों में लगी तो जाली की तरह वो ग्रो करती है और उसके ऊपर उसी जाली के ऊपर बैक्टीरिया उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे तब हम उसको बोलेंगे फ्लॉक्स। फ्लॉक्स को आपको याद रखना कि जब फंजाई के ऊपर बैक्टीरिया अटैच हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स। उसके बाद एरिएशन टैंक के वाटर को छोड़ा जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जैसे ही हम इस वाटर को छोड़ेंगे तो जो बैक्टीरिया जो हमारे पास फ्लॉक्स है जिसमें मतलब बैक्टीरिया और फंजाई जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं वो टैंक के नीचे वाली सतह पे बैठ जाते हैं और वाटर ऊपर की तरफ रह जाता है। जब फ्लॉक्स नीचे की तरफ बैठ जाएगा तब हम उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलेंगे उसको, एक्टिवेटेड स्लज। उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से चीज और याद आपको याद रखनी है कि जो माइक्रोब्स हमारे पास सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में यहां पर पहुंच गए इनको अगर हम चाहें तो इन माइक्रोब्स को इन बैक्टीरिया को बार बार या फंजाई को निकाल के हम एरिएशन टैंक में डाल सकते हैं ताकि यहां पर ऑर्गेनिक मैटर को वो फीड करते रहें। उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से हम वाटर को शिफ्ट करते हैं एक और टैंक के अंदर जिसको हम बोलते हैं एनएरोबिक स्लज। एनएरोबिक स्लज एक ऐसा टैंक होता है जिसके अंदर एयर बिल्कुल नहीं जाती, एयर टाइट टैंक होता है और इसी टैंक के अंदर एनएरोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जब एक्टिवेटेड स्लज से एरोबिक बैक्टीरिया नीचे आएंगे तो एनएरोबिक बैक्टीरिया उनको खाना शुरू कर देंगे। जब एनएरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया को फीड करेंगे तो यहां पर कुछ गैसेस प्रोड्यूस होती है, कुछ गैसेस बनती है जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो स्टूडेंट आप जानते हैं ये तीनों गैसें मिलकर बनाती हैं बायोगैस और बायोगैस इनफ्लेमेबल होती है जो जलाने के काम आ सकती है। उसके बाद एनएरोबिक बैक्टीरिया ने जब एरोबिक बैक्टीरिया को फीड कर दिया उसके बाद इस पानी को फाइनली हम किसी भी रिवर के अंदर छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर एनएरोबिक स्लज के बाद यानी ये यहां तक हमारा जो प्रोसेस आता है एरिएशन टैंक से लेकर एनएरोबिक स्लज तक ये सारे का सारा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो जैसे हमारे पास एनएरोबिक स्लज लास्ट स्टेप है, इसके बाद कुछ कंट्रीज के अंदर टर्शियरी ट्रीटमेंट भी दी जाती है। टर्शियरी ट्रीटमेंट क्या है, वो इस पानी के अंदर क्लोरीन डाल देते हैं या ओजोन या यूवी रेस की लाइट छोड़ेंगे, उससे क्या होगा कि एनएरोबिक बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, ठीक है, और जितने भी और कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो इसके अंदर किल हो जाएंगे और उसके बाद अल्टीमेटली इस वाटर को वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है या कई कंट्रीज
जो टर्शियरी ट्रीटमेंट के द्वारा इस पानी को पीने के लायक भी बना देते हैं। तो स्टूडेंट, उसी के बाद हमारे पास टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद एक छोटा सा सब टॉपिक इसी यूनिट के इसी क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है, वो है रिवरेक्शन प्लांट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो हमारे इंडिया की मिनिस्ट्री है, उसने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान 1985 के अंदर ये प्लांट्स दो बनाए थे। और इन प्लांट का जो मेन एम था वो था कि जो मेजर रिवर हमारे इंडिया के उसको कैसे बचाया जाए। अभी रिसेंट में पीएम नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के दौरान एक स्कीम आई थी जिसका नाम था नमामि गंगा प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे यही दो रिवर क्यों, बाकी रिवर कंट्रीज की क्यों नहीं साथ की थी, इन्हीं दो रिवर्स के ऊपर प्रोजेक्ट क्यों बन रहे हैं। तो अब इन प्रोजेक्ट्स के दौरान होता क्या है, इन प्रोजेक्ट्स के दौरान ये होता है कि जितने भी हम देखते हैं हमारे इंडिया की जो मेजर सिटीज है वो गंगा और यमुना रिवर के ऊपर ही बसती हैं। और गवर्नमेंट इस प्लान के तहत ये करती है कि जितनी भी सिटीज हैं इनके अंदर वो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाती है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्या कर रही है कि जितने भी बड़े शहर हैं उनके पानी को साफ करने के लिए सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है। अभी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत है ताकि रिवर जो जितने भी कंट्री के रिवर है उन सभी को साफ किया जाए। उसके साथ साथ स्टूडेंट मैं आपको बात बता दूं, एक तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो कोई प्रोजेक्ट्स बनाती है, चाहे नमामि गंगा प्रोजेक्ट है या उससे पहले गंगा एक्शन प्लान या यमुना एक्शन प्लान जो बनाया गया था। उसके अलावा गवर्नमेंट हर साल बहुत सारी इंडिया की रिवर्स और लेक्स को साफ करने के लिए भी पैसा खर्चती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी कुछ रिस्पांसिबिलिटी, हमारी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि हम अपने घर के कचरे को किसी वाटर बॉडीज में ना फेंके, हम अपने घर के कचरे को ओपन एरिया में ना फेंके, हम अपने घर के पानी को किसी ऐसे जगह ना फेंके जिससे वो वाटर जो है ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड कर दे। हमें अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझना है। गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा हमें समझाने की कोशिश करती है, अल्टीमेटली वो हमें ही करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट आके हमारे घरों की सफाई करेगी, बल्कि ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। मैं चाहता हूं आज के इस टॉपिक के माध्यम से, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट जो टॉपिक हमने पढ़ा है, इसके माध्यम से एक मेरा मैसेज भी आप सभी स्टूडेंट्स को है कि आप अपनी एक रिस्पांसिबिलिटी समझिए कि अपने घर का जितना कचरा हो, जितना गंदा पानी हो, उसको उस जगह पे आप जो है वो आपका पानी भी जाना चाहिए और आपका जो वेस्ट उस जगह पे जाना चाहिए जहां पे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट वाले इजिली उसको जो है वो आइसोलेट कर सके, ताकि जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर जो हमारा साफ रह सके।